आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। रविवार की सुबह रायपुर क्षेत्र में सोनग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे दो युवक फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के CCR के समय 8:55 पर SDRF टीम को त्वरित कार्यवाही के लिए सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पोस्ट सह सत्र धारा की प्रभारी लक्ष्मी रावत ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया। 8:57 पर टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। टीम ने मौके पर पहुंचते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। सोंग नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बावजूद SDRF एवं जनपद पुलिस की टीम ने साहस और कुशलता से काम किया। दोनों मजदूर जो नदी के बीच फंसे हुए थे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की तत्परता और स्थानीय पुलिस की कुशलता का परिचय मिला। SDRF उत्तराखंड पुलिस की टीम की इस त्वरित और सफल कार्यवाही से दो युवकों की जान बच गई। वहीं टिहरी कुमालड़ा क्षेत्र अंतर्गत जंगल गदेरे के उफनाने से फंसे लोगों को SDRF ने किया रेस्क्यू। दिनांक 19 अगस्त 2024 को पुलिस चौकी कुमालड़ा द्वारा SDRF को सूचित किया गया कि जंगल गदेरे के पास अचानक पानी बढ़ जाने से गदेरे पर बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पुल की दूसरी ओर बने रिजॉर्ट में कुछ पर्यटक एवं स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पोस्ट सह सत्र धारक से SI लक्ष्मी रावत के नेतृत्व में SDRF रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। SDRF टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही करते हुए उफनाए गदेरे में से रोप की सहायता से दिल्ली से आए 8 पर्यटकों एवं 9 स्थानीय लोगों को सकुशल पार कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के लिए पर्यटकों द्वारा SDRF का आभार व्यक्त किया गया। देहरादून से राकेश कुमार की रिपोर्ट।